यहाँ पे वेलकम हो रहा है। दुश्मनों ने हमला कर दिया सैनिकों, आक्रमण, जय भवानी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा सफर चालू हो चुका था और आज है डे टू। तो पहले दिन हम पहुंच चुके थे दिल्ली बुआ के वहाँ और यहाँ से आज सुबह आगे जाने का प्लान है। तो आज हमारे साथ हमारे एक पुराने साथी तो है ही है। हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये देखिए तैयार हो चुके हैं। एक बार दोबारा शक्ल दिखाइए जरा। हेलो एवरीवन। बोलना नहीं था, सिर्फ शक्ल दिखा। ये इधर हो चुके हैं रेडी। बाकी और कुछ लोग और हैं जो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सफर में, तो चलिए आपको उनसे मिलाते हैं। तो बैग ले लिया है, हम निकल चुके हैं। और कहीं पे भी प्लान की सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो प्लानिंग करी उसके हिसाब से चला जाए, शेड्यूल पूरा सेट हो। फिलहाल हमने 7 बजे निकलने का प्लान किया था, लेट जरूर हुए हैं लेकिन इतना भी नहीं, 7:07 हो रहा है और लगभग हम निकलने को तैयार हैं। यहाँ नाश्ता चालू हो चुका है, फूफा जी भी चाय पी रहे हैं। ये है बुआ, आज आज इनकी बेटी का बर्थडे है और इन्होंने सुबह सुबह बनाए पुए। पुए भी खिलाओ। ये बर्थडे के पुए बन चुके हैं। हमारे वहाँ केक नहीं काटो तो भी चलेगा, बट पुए बनने चाहिए। तो बनने के साथ खाना भी चाहिए क्या? हाँ तो नहीं, देखो ये घर चुके हैं जिनकी बीवी का बर्थडे है। तो ये है हमारी टीम, मैं, वर्षा, इधर उर्मी और वो है नंबर 4 राहुल और ये है नंबर 5 भाया। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार से वो भी डबल होके जाए तो उनके लिए फटाफट हमें एक लड़की बताएं। लड़की सुंदर और सुशील होनी चाहिए। ये देखो नाश्ते में ब्रेड में पीनट बटर लगाया जा रहा है। यहाँ निकलने की हो गई तैयारी। ये आ गई हमारी कार जिसका नाम है वैगनार। तो यही गाड़ी हमारी रहने वाली है पूरे टूर में, जिसमें हमारा सफर रहेगा। आओ आओ आओ, ये वेलकम के लिए आ चुके हैं। तो वो आपको कैसा लग रहा है? हम आपको लेके नहीं जा रहे हैं, हम अकेले जा रहे हैं। ये देखो सुबह सुबह ने चैन लिया, सुबह सुबह विश करने के लिए फोन कर दिया। ये देखो प्यारी सी बच्ची डॉल। बेटा उठो, बोलो मामी हैप्पी बर्थडे। ओके, ये देखिए ड्राइवर साहब बिल्कुल रेडी है। यहाँ सब रेडी हो चुके हैं, सामान पैक कर दिया गया गाड़ी में। तो यार बुआ भी बाया कहने के लिए तो एकदम तैयार है। पहुंच गए हम पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे फ्यूल रिफिलिंग का काम चालू है और आज इनका बर्थडे। और फिलहाल तो आज का पूरा दिन हम इनके साथ मनाएंगे। ये है गैंग हमारी। तो फ्यूल अप हो चुका है और हम निकलने को है तैयार, पेट्रोल टैंक फुल। ये देखिए यहाँ पे काई बात का हंसा जा रहा है। ये हम इसलिए हंस रहे हैं, हम कह रहे हैं राहुल भैया आपको शादी में कैमरामैन अरुण भैया को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज सफर थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि जो अपना रनिंग टाइम है कम से कम 5 से 6 घंटे का रहने वाला है। तो टाइम हो चुका है अभी 8:30 और हम दिल्ली से निकल चुके हैं। तो अभी दिल्ली का बॉर्डर पार करके हम सीधे निकल चुके हैं जयपुर के लिए। तो ये देखो कहाँ कहाँ से आज लोग फोन कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। ये हमारी बुआ। अभी हम रुके हैं यहाँ CNG के लिए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं हाईवे दरबार रेस्टोरेंट, ये देख सकते हैं आप। और ये सबके सब लोग यहाँ पे इंतजार में है ब्रेकफास्ट के, भूख के मारे पेट ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। चिप्स वाला मिल रहा था, आपने चिप्स नहीं लिया। हाँ, ये इन्होंने चिप्स खा लेते तो नाश्ता कैसे करते। चलिए चलते हैं फिर हाईवे दरबार।
देखो इनके मजे, आज इनका बर्थडे है तो इनका फोन हाथ से मतलब कान से नीचे दिख ही नहीं रहा बिल्कुल। मम्मी का फोन आ चुका है। आलू के पराठे, दही और सबसे पहले बर्थडे गर्ल ने शुरुआत करी है। चलिए अब हम यहाँ से भी निकलते हैं, ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, ठूस लिया हम सब ने। तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये रही कि स्टाफ कम होने की वजह से सर्विस होती बहुत डिले थी। खाना अच्छा था, स्वाद बढ़िया, क्या बोलते हो? और एंड में स्वीट डिश तो बहुत अच्छी थी। होटल का प्रसाद, ये देखिए होटल का प्रसाद है जो खाने के बाद आपको ही मिला होगा। प्रसाद इंडियंस को पसंद सबसे ज्यादा होता है। हाय आंटी, भाप भूखे हैं ये यहाँ। चलो ये बस एक जगह चिप्स के लिए रुकेगी। ये है डिमांड, चिप्स के लिए रुकनी पड़ेगी गाड़ी। जयपुर पहुंच चुके हैं। हेलो टूटो भैया, जयपुर आ गया। तो हम पहुंच चुके हैं अभी चौकीदानी रिजॉर्ट पे, जो यहाँ जयपुर का फेमस है। लेकिन फिलहाल अभी 5 बजे से यहाँ का टिकट काउंटर ओपन होगा और इसका स्लॉट भी 5 से 11 का है। फिलहाल तब तक आसपास कहीं देखते हैं होटल और वहीं स्टे करते हैं। यहाँ पे नियर बाय में ही हमने रूम ले लिया है, जरासी चौकीदानी के बगल में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता होगा। 2000 कम नहीं करोगे भैया? अरे भैया 10-20 मिनट तो कम कर। अरे भैया कर लो। बाकी सामान वामान निकाला जा रहा है, ये गाड़ी पार्क कर दी गई है। अभी टाइम हो चुका है 4:00 और सब हो चुके हैं तैयार और हम अभी जा रहे हैं सीधा चौकी धानी के लिए। यहाँ पे प्लान में हो चुका है थोड़ा सा चेंज और कट में भी आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप सबको सब टी शर्ट वगैरह में दिख रहे होंगे, अब सब जैकेट में आ गए हैं। ये देखो यहाँ पे मैडम ने भी जैकेट पहन ली है, क्योंकि क्या है अभी जो हमने कल का यहाँ पे हिस्ट्री निकाली रात की, तो रात को यहाँ पे करीब 17 डिग्री का टेम्परेचर था। क्योंकि अभी चौकी धानी में क्या हमें 5 बजे से लेके पूरा 11 बजे तक रहना है, तो हमने ये प्लान कर रखा है कि जब तक वो बोलेंगे नहीं कि बंद हो गया जाओ यहाँ से, हम नहीं निकलेंगे तब तक हम निकलेंगे नहीं वहाँ से। कटोरा आ चुका है सबके हाथ में। एक लौती जगह जहाँ पे पैसे देके हाथ पिलाया जाता है। सही बात है, गोलगप्पे का ठेला एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे पैसे भी दिए जाते हैं और हाथ भी पिलाया जाता है। बहुत ही तेज है। यह है चौकीदानी रिजॉर्ट और यहाँ से है इसका एंट्री गेट, ये देख सकते हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है, यहाँ का जो पर डे का रेंट है वो 10,000 से स्टार्ट है। यह है चौकीदानी का आउटर एरिया जहाँ पे कलाकारी की गई है बहुत उम्दा तरीके से। पुराना राजस्थान का पूरा कल्चर दिखाया गया है, ये देखिए पुराने ज़माने से जैसे भी राजस्थान में राजसी रिवाज चलता आ रहा है और जो भी यहाँ का ट्रेडिशन है वो सारे का सारा आप इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। और ये आ रही है हमारी टीम। यहाँ पे वेलकम हो रहा है, वेलकम तिलक। राम राम सा मतलब वैसे यहाँ का वेलकम टाइप का हुआ ना, तो यहाँ का वेलकम है राम राम सा। आप जिससे मिले तो बोलिए राम राम सा। घनी खम्बा, ये जल जी रहा है वेलकम ड्रिंक का। क्या आपको डर नहीं लग रहा है? डर क्या का जीत है। वेलकम वेलकम वेलकम। सारे हट हैं जो यहाँ पे राजस्थान ट्रेडिशन में बनाए गए हैं,
अंकल मगरमच्छ के ऊपर बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं। ये भी अपने आप में डेयरिंग वाला काम है। ये है जंगल देवता। उनकी बेटी सुपुत्री। जीते रहो बालिका। दुश्मनों ने हमला कर दिया सैनिकों। आक्रमण। जय भवानी। जय भवानी। तो यहाँ पे हमारे कुशल शासक और कुशल सैनिकों ने यहाँ पे साम्राज्य बचा लिया है और हमने दुश्मनों को परास्त कर दिया है। जय भवानी। जय भवानी। अभी पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पे लालटेन और कलरफुल लाइट चालू हो चुकी हैं। ये देखिए हर घर में लाइट जल चुकी है और इधर तो कुछ कलरफुल लाइट्स भी हैं। सर ये डिनर वाला एरिया यही है क्या? और हैंड वॉश के लिए गर्म पानी है बिल्कुल अवेलेबल। राम राम। बेहतरीन खुशबू आ रही है अंदर आते ही। देखिए यहाँ पे बैठ चुके हैं। हाँ क्या मस्त हो रहा है यार ये। हाय मजा आ गया। और ये आ चुकी है मक्के की रोटी। और बेटे मौज करती मौज। मैंने अपना सारा आइटम तो निपटा दिया लेकिन पेट हो गया बहुत खतरनाक। तो चलिए अब यहाँ से करते हैं एग्जिट। तो खाना वगैरह हो गया, चौकीदारी घूमना हो गया, हम जाएंगे सीधा रूम पे और जाके करेंगे आराम क्योंकि आज बहुत ज्यादा थक गए हैं। ये पहुँच गए हम होटल। तो हम पहुँच चुके हैं अपने रूम पे। पान खाया उसके बाद चौकीदारी का तो मुंह भी लाल हो रखा होगा। मैंने नहीं खाया। इधर वैसे ही लाल है। तो बाकी कल सुबह मिलते हैं नए ब्लॉग में और नए दिन की शुरुआत के साथ। यहाँ भी हालत है खराब तो सो जाते हैं जल्दी से करते हैं गुड नाइट। तब तक हमारा ब्लॉग देखिए और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल भी ना भूलें। नाइट शुभरात्रि। बाय बाय। टेक केयर। घर पे रहिए सुरक्षित रहिए। बाय।